हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है। आप सर्च कर रहे हैं, जो वीडियो आप नेट पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, उसमें से ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला। है ना, केमिकल फॉर्मूला। अगर कोई एक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, यानी कि कोई यौगिक जो होगा उसका हम सूत्र कैसे लिखते हैं, उसको मैं बहुत डिटेल्स में बहुत छोटे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और चीज को समझेंगे। ठीक है, एक बार से दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, लेकिन उससे पहले आपसे मैं दो तीन चीज बताना चाहूंगा, तब जाके इसको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है। ओके, कभी भी एक जो आपका केमिकल फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, यानी कि यौगिक का, अगर आप केमिकल फॉर्मूला अगर लिखने जाएंगे, है ना, रासायनिक सूत्र अगर उसका लिखने के लिए जाएंगे, तो आपको कुछ कुछ चीज को जरूरत पड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट जो है 36 तत्वों को याद करिए। कितना? 36 तत्व। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन करते करते गए। ठीक है, तो आपको कितना याद करने के लिए मैंने बोला, एटलीस्ट 36 करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको चीज आसानी से समझ में आने लग जाएगा। बस आपको क्या बोला मैंने, जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें से 36 एलिमेंट को मैंने पहले याद करने के लिए बोला। ठीक है, आप कैसे भी याद करिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ दिया है, उसके बाद एलिमेंट माने यानी कि तत्वों को आप पहले याद किए। पहले आपने क्या किया, तत्वों को याद किया। कितना तत्वों को याद किया, 36 को याद किया। ठीक है, तो 36 में कौन सा है, क्रिप्टन। 36 में कौन सा मिलेगा, क्रिप्टन मिलेगा। ठीक है, और 35 में कौन सा मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, है ना। इस आपको अप टू 35 36 तक आपने याद किया। ये क्यों याद करने को बोल रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो सीखने का जो प्रोसेस हो इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा परमाणु संख्या। वो जो आपका तत्व होगा उसका परमाणु संख्या आप जानेंगे। ठीक है, उस तत्व का क्या जानेंगे आप, परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो बहुत आसान होता है। एटॉमिक नंबर मतलब सीरियल नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब आप सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो जिस हिसाब से सीरियली आपको सजाया गया है ना, वही आपका परमाणु संख्या होता है। जैसे अब मैंने यहाँ बहुत सारा परमाणु संख्या को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जैसे किसका, ये जो है एच, एच मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि प्रतीक हम कैसे लिखते हैं, उसका सिंबल क्या होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन मतलब एच, उसका परमाणु संख्या 1, है ना। हीलियम HE, परमाणु संख्या 2। लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5। इस तरह से करते करते मैंने यहाँ पे ऑर्गन तक लिखा है 18। ठीक है, ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, तो उसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो आपको मैंने कितना तक, 18 तक तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आपको मैंने बताया है 36 इसके अलावा भी, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा पोटेशियम आ जाएगा 19 में, कैल्शियम आ जाएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैंगनेन, आयरन, कोबाल्ट। उस तरह से आगे बढ़ते बढ़ जाइए, 35 में ब्रोमीन, और फिर क्या हो जाएगा आपका, क्रिप्टन 36 में। तो उतना याद करने से क्या होगा, आपको सीरियल एक तो याद रह जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है हमको ये फॉर्मूला लिखने के लिए, ये तो हमने यहाँ पे बता दिया, आपको सीरियल नंबर भी बता दिया। सीरियल नंबर मतलब परमाणु संख्या होता है। ठीक है, और सबका ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद संयोग, संयोगता बोलते हैं जिसको, जिसको बैलेंस ही बोलते हैं ना, संयोगता। संयोगता आपको याद क्या करना है, उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बस अभी यहाँ पे याद करिए, कभी दूसरा वीडियो में मैं बता दूंगा कि संयोगता आपको बिना याद किए हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे का कुछ चीज पढ़ाने के बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक बता दूंगा मतलब कोई भी एटॉम्स जो होते हैं, कोई भी तत्व होते हैं, उसका हम कैसे संयोगता निकालते हैं, यानी कि बैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, उसको बता दूंगा। तो आप बस याद करिएगा, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 0, लिथियम के लिए 1, बेरिलियम के लिए 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गन के लिए 0, तो सबका मैंने लिख दिया। आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो, जो मैंने बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया दो नंबर वाला बात। पहला मैंने बोला एलिमेंट और उसका परमाणु संख्या, है ना, तत्व और उसका परमाणु संख्या। उसके बाद वैलेंसी यानी कि उस तत्व का क्या वैलेंसी है। ठीक है, वैलेंसी मतलब संयोगता क्या है उसका। ठीक है, संयोगता मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब एक जो तत्व होता है दूसरे तत्व के साथ में किस तरह से बॉन्डिंग बना सकता है ना। तो वो बॉन्डिंग बनाने का जो कैपेसिटी होता है, इट इज द एबिलिटी, ओके, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोला जाता है जिसको। कंबाइन दूसरे के साथ में कंबाइन करने का जो कैपेसिटी होता है उसी को संयोगता बोलते हैं। ठीक है, और वैलेंसी बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसको आप याद करेंगे। उसके बाद तीन नंबर पॉइंट क्या होता है,
कुछ कुछ इस तरह के चीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं बहु परमाणु आयन, क्या बहु परमाणु आयन यानी कि पोली एटॉमिक आयन होते हैं। ठीक है, तो पोली एटॉमिक आयन, यहाँ पे मैंने कुछ पोली एटॉमिक आयन का एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया, जैसे ये हो गया हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, और इसका वैलेंस कितना होता है वन। ठीक है, एक क्या है एमोनियम, इसका वैलेंस कितना होता है वन। ठीक है, ये हो गया, एक क्या है नाइट्रेट, ओके ये नाइट्रेट है, इसका वैलेंसी वन। ओके, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, इसका वैलेंसी वन, सॉरी इसका वैलेंसी टू, वन नहीं, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी टू। और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका वैलेंसी वन, हाइड्रोजन कार्बोनेट का वैलेंसी क्या है वन। ये हो गया सल्फेट, इसका वैलेंसी टू, ये हो गया फॉस्फेट, इसका वैलेंसी थ्री, ये हो गया सल्फाइड, ठीक है, इसका वैलेंसी टू। तो इस प्रकार से जो बहु परमाणु आयन जो है, कुछ कुछ आपको बहु परमाणु आयन आपके बुक में भी दिया गया है, तो उसको आप देखने से आपको पता चल जाएगा, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कुछ दे दिया है, हाइड्रोक्साइड का दे दिया मैंने, एमोनियम का दे दिया, नाइट्रेट का दे दिया, कार्बोनेट का दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट का दिया, सल्फेट का दिया, ये फॉस्फेट का दिया, वो सल्फाइड का दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपने, आपको इतना अगर आपने पहले याद कर लिया, अब जाते हैं फॉर्मूला पे। आप सोच रहे होंगे सर ने तो इतना ज्यादा बता दिया, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं जानने से तो आप फॉर्मूला में जा ही नहीं सकते। कोई भी चीज को जानने के लिए उसका पहले नाम तो जानना पड़ेगा ना, तो ये आप सोच लीजिए ये नाम है, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले, मतलब यौगिक के सूत्र लिखने से पहले, ये सारा चीज वैलेंसी और पोली, ये क्या है पोली एटॉमिक आयन्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी चीज का आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बताता हूँ। ठीक है, सो कुछ मैंने यहाँ पे लिया है, उसको देखता हूँ। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे, अब देखिए, अब फॉर्मूला लिखने वाला बताता हूँ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे। आप पता करिए इसमें कौन कौन सा तत्व है, आप देखिए हमको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हमको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो कौन कौन सा तत्व है आप देखिएगा, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है और एक है क्लोरीन है। ठीक है, आप देखिए एल्यूमिनियम कितना नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे 13 पे, कितना पे आ रहा है 13, और इसका बैलेंसी कितना है 3, इसका बैलेंसी कितना है 3। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम एल, एल्यूमिनियम का संकेत जो है, सिंबल जो है, हम इस प्रकार से लिखे, और क्लोरीन मतलब Cl। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा, एल्यूमिनियम को लिखा और क्लोरीन को लिखा। अब हमको क्या करना है, इसके नीचे में सीधा सीधा इसका नीचे में उसका संयोग का लिखना है ना, संयोग का जो है उसको लिखना है, यानी कि बैलेंसी। एल्यूमिनियम कितना नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है, इसका बैलेंसी कितना है 3, इसका बैलेंसी कितना बेटा 3, सो इसके नीचे में आप 3 लिख दोगे। ठीक है, अब क्लोरीन, क्लोरीन कितना नंबर पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है, इसका बैलेंसी कितना है 1, इसका बैलेंसी क्या है 1, क्लियर 1 हो गया। अब आप इसको क्या करना है, क्रॉस कर देना है, लाइक दिस क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये नंबर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा Al, इसके नीचे में 1, और ये Cl इसके पीछे में ये 3। ये 1 है इसलिए इसको 1 को हम नहीं लिख रहे, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, इसको 1 को आपको नहीं दिखा जाता है, इस तरह से हमको AlCl3 लिखते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका जो सूत्र होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या लिखते हैं, Al1Cl3, इस तरह से नहीं लिखते हैं हम, इसको क्या लिखते हैं AlCl3, यानी कि यहाँ इसके पीछे में 1 है उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे पता चला हमको, क्योंकि उसको उसका संयोग का हमको पता चला, तब जाकर हम इसका फॉर्मूला लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा वाला, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ तब जाके दूसरा कर पाऊंगा, इसको मैं मिटा के दूसरा, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, अब देखिए दूसरा क्या है। देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, आप हिंदी मीडियम में एल्यूमिनियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड ही बोलते हैं, बस आप हिंदी में लिखना है। ओके, अब है कैल्शियम कार्बोनेट, दो नंबर को मैं क्या करूंगा, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, आपको हिंदी में भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब कैल्शियम का आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पे देखिए कैल्शियम कहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं कैल्शियम, है क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, उसका एलिमेंट का जो परमाणु संख्या जो है 20 है, तो यहाँ पे 20 तक लिखा है, नहीं मैंने 18 तक लिखा है, तो कैल्शियम, कैल्शियम कितना है Ca, 20 पे आता है, यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए आपको बोला हूँ
36 तक आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो कैल्शियम हो गया। अब कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट का मतलब CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3, ठीक है। ये पोली एटोमिक आयोन से, मतलब बहु परमाणु आयोन से, ठीक है, बहु परमाणु आयोन से। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा है, ये जरूरी है आपको दिमाग में रख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये CO3 कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। ओके, अब इसके नीचे में इसका क्या है? संयोगता लिखेंगे। कैल्शियम का संयोगता मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन कैल्शियम का संयोगता होता है 2। क्या होता है? कैल्शियम का संयोगता होता है 2, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बोनेट का संयोगता कहाँ पे? मैंने यहाँ पे दिया था कार्बोनेट का संयोगता कितना है? 2। CO3 का संयोगता कितना है? 2। ओके, अब क्या करेंगे? दोनों का संयोगता यानी कि वैलेंसी को हमने नीचे में लिखा, अब हम इसको क्रॉस करेंगे बेटा। इस तरह से क्रॉस कर दिया या क्रॉसिंग, ठीक है। अब संख्या को लिख दीजिए, ये हो गया Ca2CO3 2। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन दोनों में 2 2 है ना, दोनों में 2 2 होने से हम वो दोनों को 2 2 को नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? दोनों में 2 2 आ जाता है, इसलिए दोनों कैंसल आउट हो जाता है, कट जाएगा, तो ये अंग आ जाएगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा वाला का फॉर्मूला लेते हैं, दूसरा वाला कुछ दूसरा वाला लेता हूं। एक कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, देखिए अब दूसरा वाला कुछ लेता हूं, ठीक है। दूसरा वाला इस बार हम बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 3 नंबर में क्या बात करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे देखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड बोला गया है। हाइड्रोक्साइड जो है एक क्या है? बहु परमाणु आयन है हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने यहाँ पे कैल्शियम का फॉर्मूला तो CA हो गया, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होगा। अब इसका क्या लिखिए? संयोगता नीचे में लिखिए, इसका संयोगता नीचे में लिखिए। इसका संयोगता मैंने अभी थोड़ा देर पहले से पहले वाला में बताया था, 2, क्या था? 2 था। देखिए आप करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का तो याद ही हो गया 2 है, ठीक है, ये 2 हो गया। ओके, OH का क्या था? OH का मैंने यहाँ पे लिख दिया था OH का 1। अब इसको क्रॉसिंग करिए, इसको इधर क्रॉसिंग, इसको इधर क्रॉसिंग, ठीक है, दोनों को क्रॉसिंग कर दिया। क्रॉसिंग करने के बाद क्या आ जाएगा? आपका ए नंबर इधर चला जाएगा, ए नंबर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे सी ए ब्रैकेट देके OH 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे दो लेटर है ना, OH है, OH को, OH दोनों को हमको 2 चाहिए, तो ओनली 2 लिखेंगे तो H में चला जाएगा, इसलिए ब्रैकेट देने से ये जो 2 जो है दोनों के लिए काम करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOH 2। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा बताता हूं सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको मिटाता हूं, सोडियम ऑक्साइड। ओके, देखिए नाम सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए 4 नंबर वाला है सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। ओके, कौन कौन सा तत्व है यहाँ पे, कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? 2 एलिमेंट है, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है ना, तो सोडियम का फॉर्मूला है Na। सोडियम कितना? ये वाला Na है, ठीक है, कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है सोडियम, ठीक है। सो ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन O लिख दिया हमने, ठीक है, हमको यहाँ पे ऑनली प्रतीक लिखना है, इसका सिंबॉल लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है इसका, ठीक है। ओके, अब इसका वैलेंसी कितना है? वैलेंसी देखिए, इसका वैलेंसी कितना है? 1। सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1। ओके, अब ऑक्सीजन जाइए, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका वैलेंसी कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो इसका वैलेंसी यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। सो ठक इस तरह से क्रॉसिंग कर दिया। ओके, अब नंबर लगा दीजिए, इसका नंबर इधर Na2। ओके, जो नंबर लिखेंगे उसको नीचे लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नंबर अगर आप इस तरह से लिखते हो, ऊपर लिखते हो तो नहीं होगा, ठीक है, आपको नंबर क्या करना है? इसके नीचे में लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से Na2 और O के पीछे में 1 1 को नाम लिखते नहीं है, तो Na2O हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या चीज बताना है, क्या चीज याद करना है आपको? संयोगता यानी कि बैलेंसी को याद करना है, और बहु परमाणु आयन जो है कुछ कुछ है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एकदम आसानी तो नहीं हो पाएगा, आपको क्या करना है इसको पहले दिमाग में रखना है, उसके बाद फॉर्मूला पे आइए आप फटाफट, एक भी गलत नहीं होगा आपको, मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक भी गलत आप फॉर्मूला लिख ही नहीं सकते अगर आपके पास बैलेंसी आपको दिमाग में है। लेकिन अब देखिए जब आप आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वैलेंसी को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, खुद निकालने का तरीका भी है उसका वैलेंसी, ठीक है, तो वो तरीका मैं अगले वाला वीडियो में बताता हूँ। आज मैंने बताया
आप फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क देता हूं, इसका आपको फॉर्मूला लिख के मुझे बताना है, ठीक है। किसका किसका, दो या तीन क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे फॉर्मूला लिख के थोड़ा सा कमेंट करना, तो मैं देखता हूं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ठीक है। सो आपके लिए होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क इस तरह से लिख देता हूं, होमवर्क। सो एक नंबर में आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको लिखोगे। दो नंबर पे आप क्या करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया था कि मैंने दिया था, यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया था। सो अभी हमने क्या क्या दिया था, एल्युमिनियम क्लोराइड भी दे दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दीजिएगा, क्या लिखेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन तीन नंबर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बस ये तीन फॉर्मूला को लिख के थोड़ा सा बताना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।